हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमें जो भी इनकम अर्न करते हैं हमें उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। उसके लिए हमें एक रिटर्न फाइल करनी होती है, तो आज वो टाइम आ चुका है जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं मेजोरिटी लोग, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। तो जनरली जून जुलाई का ही टाइम होता है जब ये रिटर्न फाइल की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको, जिसपे अगर आप फोकस करेंगे, जिन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो कभी भी गलती नहीं होगी और साथ ही साथ इनकम टैक्स से कोई भी आप पे नोटिस नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हम फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ फॉर्म स्पेसिफाई कर रखे हैं, अलग अलग लोगों को क्राइटेरिया के हिसाब से अपना फॉर्म सेलेक्ट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी है। जैसे अगर आप सैलरीड हैं, आप पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, या आप पे एक ही हाउस है और आपकी इनकम 50 लाख से कम है पूरे साल में, तो आपको ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट करना है। वहीं अगर आप पे एक से ज्यादा घर है, या आपकी इनकम साल की 50 लाख से ज्यादा है, या आपको कैपिटल गेन होता है, यानी कुछ असेट को बेच के आपको फायदा हुआ है, तो आप ITR 1 फॉर्म नहीं भरेंगे, आप ITR 2 फॉर्म भरेंगे। वहीं अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है तो आप ITR 3 फॉर्म भरेंगे। प्रिजम्पटिव इनकम से रिलेटेड आप ITR 4 5 फॉर्म भरेंगे। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें देख लेना चाहिए हम किस एलिजिबिलिटी में आते हैं और वही फॉर्म सेलेक्ट करें, जिससे कभी भी गलती नहीं होगी। अब सेकंड हम बात करते हैं ITR फॉर्म के बाद। आज के टाइम में दो टैक्स सिस्टम है, ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम। ये हमें सेलेक्ट करना होता है एज इंडिविजुअल कि हम ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं। अच्छा, ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, जैसे आपने PPF में इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल की FD करा दी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारे डिडक्शन मिलते हैं, बट यहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें न्यू टैक्स सिस्टम की, तो वहाँ पे परसेंटेज कम है टैक्स के, पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा डिडक्शन का। तो आपको ये देखना है कि मुझे न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है, वो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करिए, तब जाके आप अपने गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए। अच्छा, कौन सा बेटर है इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो हमने फॉर्म सेलेक्ट सही किया, फिर उसके बाद हमने ये चॉइस सेलेक्ट सही की कि हमें ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। थर्ड बात करते हैं, आज के टाइम में बहुत सारी इनकम होती है जिसपे आपका बहुत जगह TDS कट जाता है, TCS कट जाता है, तो आपको उसके लिए पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि मेरी जो सारी इनकम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन कौन सी इनकम पता है, वो कम से कम मैं सारी दिखा के चलूं। अच्छा, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल से, जिसको बोलते हैं AIS या 26AS फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन सी इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है, कम से कम वो सारी इनकम तो आप अपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिटर्न फाइल करते समय शो करिए, और जितना टैक्स आप ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हो TDS के फॉर्म में या TCS के फॉर्म में, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बैलेंस जो टैक्स है वो ही आपको जमा करना होगा। ज्यादा टैक्स चला गया है तो वो वापस भी आ जाएगा। अच्छा, फोर्थ इन्फॉर्मेशन, कभी कभी आपका टैक्स ज्यादा जमा हो जाता है एडवांस में, तो उसका रिफंड आना होता है, तो अब बैंक अकाउंट की डिटेल सही होनी चाहिए, बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए। अच्छा, फिफ्थ बात करें, जनरली जो टैक्स की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, जब तक आपको रिटर्न फाइल करनी है, बट उसके बाद भी 31 दिसंबर तक हो जाती है, जिसे बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। पर अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करते तो बहुत सारे बेनिफिट हैं वो लैप्स हो जाते हैं, जिनका आप बेनिफिट नहीं ले पाते, जैसे कुछ लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कराना, तो ये लॉसेस आपके चले जाते हैं, तो आप अपनी रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये वीडियो जैसे आए लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो अपनी रिटर्न फाइल करते समय कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू।